आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को न केवल पूरी तरह से खारिज किया है बल्कि जनहित याचिका की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही राजनीतिक लड़ाई में न्यायालय का दुरुपयोग करने से भी न्यायपालिका ने आगाह किया है। यह निर्णय सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है बल्कि एक गंभीर संदेश भी देता है कि राजनीतिक विद्वेष से आरोप लगाकर न्यायपालिका को भ्रमित नहीं किया जा सकता है। यह विडंबना है कि झूठे आरोपों के आधार पर बराबर भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार और दल के शीर्ष नेताओं को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है और मैं मानता हूं कि वह प्रयास एक बार पुनः विफल सिद्ध हुआ है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता है।